हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूंगा। आप सभी से मैंने पोलिंग करवाई थी, आप सभी ने कहा था कि फीमेल की बताओ, मेल की बताओ, और बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आप सभी का एवरेज बराबर रहा, तो मैंने दोनों का ही एक वीडियो के अंदर डालने की पूरी कोशिश की है। आप सभी को पेशेंस के साथ बना रहना है वीडियो के अंदर लास्ट तक, ओके। और इसलिए वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले लिख के छोड़ दिया कि 2 से 4 नंबर ज़्यादा है ना जिन भी कैंडिडेट्स के, वो अच्छी तरीके से इसको देखिए, और सबसे कम कैटेगरी कौन सी रह सकती है यहाँ पर, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो भी भाई बहन यहाँ पर सुन रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि साथियों देखिए, ये एक तो अनुमानित है, एक्सपेक्टेड जो होती है वो, दूसरा ये फिजिकल के आधार के ऊपर है, ठीक है, फिजिकल के आधार के ऊपर है। जैसा कि फिजिकल अभी तक चल रहा ना, जिस हिसाब से एवरेज आ रहा है फिजिकल का, उसी हिसाब से मैं आपको कट ऑफ डिस्कशन करूंगा। साथियों, साथ में आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के यहाँ पर है, जिन भाइयों के बहनों के, जिनके यहाँ पर पॉइंट में नंबर ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है, दो नंबर ज़्यादा है, वो तो यहाँ पर नहीं बोलते हैं इतना, लेकिन किसी कैंडिडेट्स के क्या होता है कि यहाँ पर 7 से 8 नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कहेंगे कि तुमने तो गलत बताया है, कट ऑफ जो है ना वह तुम देख लेना, इस जोर मार के यहाँ पर कम से कम रहेगी ना, तो 7 से 8 नंबर ज़्यादा तो रहने ही वाली है। अरे साथियों, अरे मेरे भाई बहनों, यहाँ पर आप एक चीज़ सोचा करो कि आपके दूसरे अदर साथी भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी मेहनत की है, तो उन साथियों के ऊपर क्या बीतती है जिनके 1 से 2 नंबर ज़्यादा हैं, वो आपके इस एक कमेंट से डिमोटिवेट होकर फिजिकल से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि वो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दिल्ली के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, दिल्ली के कैंडिडेट होते तो सोचते कि चलो दे आते हैं, फिजिकल में क्या दिक्कत आती है भाई, यहाँ से 2 से 3 दिन लग जाते हैं बंदों को यहाँ पर अदर स्टेट से दिल्ली के अंदर पहुँचने के लिए। तो आप उन साथियों का सोचा करो जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है, वो मेरा तो एक ही मोटिव रहता है कट ऑफ बताने का, देखिए मेरा एक ही मोटिव रहता है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1 से 2 नंबर ज़्यादा वाले यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हम इतनी दूर से आएंगे, फिर भी हमने अगर फिजिकल भी कर दिया तो हमारे नंबर तो ज़्यादा है नहीं, तो हमारा क्या रहेगा, हम तो यहाँ पर डिमोटिवेट हुए बैठे हैं, तो उन साथियों के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ का वीडियो डाल देता हूँ। बाकी देखिए, मेरे कहने से या फिर किसी अदर यूट्यूबर के कहने से यहाँ से आपको कट ऑफ का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गारंटी या फिर श्योरिटी के साथ में आपको नहीं बता सकता है, वो देखिए आपके फिजिकल के एवरेज के ऊपर। लास्टली, यहाँ पर बहुत से मापदंड ऐसे होते हैं, बहुत से मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। आप सभी को पेशेंस के साथ में बने रहना है। चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, 2 से 4 नंबर जिनके भी ज्यादा है ना, वो आप सभी को यहाँ पर सुन लेना मेरे भाइयों, जो भी मैं कट ऑफ बताऊं, चाहे आपके एक ही नंबर ज़्यादा हो, आपको एक तो फिजिकल देना, देखिए ये तो आपको करना ही होगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल देना मेरे को कि सर मेरे चाहे 1 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर ज़्यादा, मैं फिजिकल जरूर दे के दिखाऊंगा। या फिर जिन्होंने फिजिकल दे दिया है उन सभी ने भी यहाँ पर कमेंट कर देना कि सर हमारे तो इतने नंबर ज़्यादा है और हमने फिजिकल दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। अब जो भी होगा ना, वो देखा जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं हो सकता। आप एक चीज़ को तो ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं है आप सभी के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस जिंदा है ना साथियों, अगर आपका कॉन्फिडेंस जिंदा है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जो वो इसमें नहीं तो अगली के अंदर, नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि वैकेंसीज अब दोबारा से एसएससी जीडी की भी है, ग्रुप डी के अंदर भी फॉर्म्स लगा रखे हैं, यहां पर दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के अंदर एनटीपीसी के भी कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो आप सभी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर ही डिपेंड हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर यहां पर जिंदा है तो वो किसी न किसी वैकेंसीज के अंदर तो आपको जरूर लगवा देगा। लेकिन अगर आपने यहीं से हार मान ली और ये सोच लिया कि नहीं हमारा तो फिजिकल नहीं हुआ, हमारे या फिर हम फाइनल कट ऑफ के अंदर नहीं आए हैं, तो हम डिमोटिवेट होकर बैठ गए, तो वो साथ से किसी की तैयारी कर लो ना, फिर उनका जाने का तो मतलब ही नहीं आगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मन के माने हार है, मन के माने जीत है, दोनों ही पॉइंट है, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड है, आपको जीत माननी है या हार माननी है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप चूज कर सकते हैं इन दोनों में से आप कौन सा चूज करते हो, ओके, दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं। चलिए यहां पर एक पॉइंट में यहां पर क्लियर कर देता हूं कि सबसे कम जो वो कैटेगरी कौन सी रह सकती है यहां पर। देखिए साथियों, पहले के आंकड़े के हिसाब से दिख रहा था कि यहां पर ईडब्ल्यूएस कम रहने वाली है, लेकिन अब 2 पहलू ईडब्ल्यूएस के अंदर निकल कर आ गए हैं। एक ये कि आपके क्रूशियल डॉट के बाद के जो जो भी यहाँ पर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, ओबीसी वालों के तो क्या होता है कि पहले के मिल जाते हैं, क्योंकि ओबीसी वालों को तो स्टार्टिंग से लगाया जाता है कि ओबीसी आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस तो अभी 2-3 साल से ही नया लगा है। तो क्रूशियल डेट के एक तो बाद का है, 2 पॉइंट है यहाँ पर क्लियर कर लेना, एक तो क्रूशियल डेट के बाद का है, एक क्रूशियल डेट से पहले का है। अगर यहाँ पर ये किया जाता है क्लियर कि क्रूशियल डेट के पहले वालों का ही मान्य होगा, बाद वालों का अगर बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो साथियों सबसे कम रहेगी ईडब्ल्यूएस, ओके, मैं 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना आप, तो सबसे कम रहेगी ईडब्ल्यूएस। अगर यहाँ पर क्रूशियल डेट के बाद वाले कैंडिडेट्स का सभी का, जिनका नया भी है, सभी का माना जाता है, तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का मैं अभी बता देता हूँ, बाद में नहीं लिख रखा मैंने आगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ना वो कहाँ पर रहेगी आपके, वो रहेगी आपके यहाँ पर एसटी,
ठीक है, और ओबीसी, एसटी और ओबीसी के सेंटर के अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है साथियों। अगर क्रूशियल डेट के बाद से भी अगर जिनका नया बना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनको भी अगर मान्यता यहाँ पर प्रॉपरली दी जाती है तो ओके, यहाँ पर ये पॉइंट इसको क्लियर कर लेना। अब ईडब्ल्यूएस और जनरल के क्या मामला है, मैं यानी यहाँ पर क्यों लिखा है, तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को अगर जनरल के अंदर डाला जाता है तो देखिए जनरल की तो डेफिनेटली मेरिट बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मेरिट बढ़ जाती है। अगर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जनरल के अंदर नहीं काउंट किया जाता है, ओबीसी को काउंट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि चांसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जनरल की मेरिट जो है वो प्रॉपर हिसाब से ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं है कि एकदम से उछाल का जाए या फिर इन सभी कैटेगरी से अलग होकर जनरल की मेरिट चली जाए। देखिए यहाँ पर मैं अब कट ऑफ जो आपकी है एक्सपेक्टेड उसके ऊपर यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस का मैंने पहले बता दिया, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट यहाँ पर देखिए 64 to 66 यहाँ पर आपकी जो वो मेल कैंडिडेट की जनरल वाले कैंडिडेट्स की यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर 62 to 64 यहाँ पर किसकी, ओबीसी की। 55 से 56 यहाँ पर एससी की रह सकती है, ठीक है, क्योंकि एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो वो फिजिकल की वो लगभग इक्वल ही छुट्टी है। आप सभी को पता कि एसटी कैटेगरी है वो ओबीसी और यहाँ पर एससी के हमेशा मिडल रही है, हमेशा बीच में रही है, तो आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि 58 से 59 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर किसी के एक नंबर ज़्यादा है तो मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, प्लीज़ आपको घबराना नहीं है। मेरे ये बताने का मोटिव यही रहता कि जिनके नंबर यहाँ पर कमी ज़्यादा होते ना, जिनके नंबर एक नंबर दो नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वो यहाँ पर सोच के चल सकें कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि 64 यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ पर भाई 62 वाले का सिलेक्शन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंड फिजिकल के ऊपर करता है। लेकिन अभी फिजिकल के डेज आपको पता बाकी है, कैंडिडेट्स जो हुए भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पर आगे का क्या आंकड़ा रहता ना, देखिए फिजिकल जब कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद जो कट ऑफ आएगी ना, तो वो तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि उनके अंदर तो 5% का ही फर्क देखने को मिल सकता है फिर, क्योंकि वो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो आपका फिजिकल जो है यहाँ पर हो जाने के बाद में कट ऑफ आएगी, क्योंकि जो आंकड़ा आपका फिजिकल के बाद के जो कट ऑफ का आंकड़ा चेंज कर सकता था वो सिर्फ फिजिकली कर सकता था, ओके, फिजिकल कर सकता था। फिजिकल भी अगर हो जाएंगे ना तो आपके कट ऑफ बदलने के बहुत कम चांसेस रह जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर पेशेंस के साथ में आपको वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जिनके भी नंबर ज़्यादा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ये मत बोलिए कि यहाँ पर 7 से 8 नंबर या फिर 10 से 12 नंबर बढ़ेगी, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके साथी जो हैं, आपके हमसफर जो हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल कीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 62 भी हो सकती है, देखिए एक नंबर ज़्यादा होना एक नंबर कम होना कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो यहाँ पर 3 नंबर के कारण या फिर 2 नंबर के कारण अभी फिजिकल देने नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आप फिजिकल देने प्रॉपर डेट के ऊपर अपने स्थान के ऊपर आ जाना, ओके, उसके अंदर कोई भी यहां पर गलती नहीं खाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जनरल कैंडिडेट की यहां पर 50 से लेकर 52 तक, और फिर जो यहां पर ओबीसी कैटेगरी है वो यहां पर 46 से 48, यहां पर जो एससी कैटेगरी है वो 41 to 44 तक रह सकती है, और फिर यहां पर 42 से लेकर 45 तक यहां पर एसटी कैटेगरी रह सकती है, ओके। यहां पर बात कर लेते हैं एक्स सर्विस मैन की, तो एक्स सर्विस मैन वाले भाइयों को मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि आपकी यहां पर सेम भी रह सकती है और 1 से 2 नंबर ज्यादा भी रह सकती है। सेम क्यों रह सकती है मैं बताना चाहूंगा, तो वो डिपेंड करती है आपके फिजिकल के ऊपर, साथ में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर, ओके। यहां पर कितने कैंडिडेट्स यहां पर हैं फिजिकल देने, कितने पधारे हैं, ठीक है, जिन भी फिजिकल देने यहां पर आए हैं उनके अंदर से किस हिसाब से एवरेज पास होते हैं, क्योंकि एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं आप सभी को पता है, तो यहां पर सेम भी रह सकती है फिर 1 से 2 नंबर ज्यादा जा सकती है, इससे ज्यादा जाने के बहुत कम चांसेस है। एससी ईडब्ल्यूएस के बाद में जो यहाँ पर ये सॉरी आपके ये जो आपकी एक्स सर्विस मैन वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर क्या होता है कि एक्स सर्विस मैन वाली कैटेगरी जो है यहाँ पर सेम रहने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं और वैकेंसी जितनी होती है ना उतने हिसाब से यहाँ पर आपके कैंडिडेट्स पहुँचते हैं, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर इक्वल रह सकती है। तो मैंने आपको बता दिया ये आंकड़ा, प्लीज़ आप जो है वो आप सभी से मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा आप सभी को डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, डीमोटिवेट यहाँ पर नहीं होना है। जिनका भी फिजिकल है आप सभी को यहाँ पर फिजिकल देने आना है, चाहे आपका एक नंबर ज़्यादा हो, पॉइंटों में ज़्यादा हो, चाहे फिर कुछ भी ज़्यादा ना हो, आप सभी अगर कट ऑफ के अंडर में आ रहे ना, देखिए कट ऑफ के अंदर में अगर आप आए हो आपको फिजिकल देने का मौका मिला, तो मतलब ही नहीं कि आपके एक नंबर ज़्यादा होने से। देखिए यहाँ पर अब कुछ साथी कह रहे थे सर हमारे जो है ना वो मतलब यहाँ पर मेरा 6 मिनट से ज़्यादा आ रहा टाइमिंग या फिर 8 मिनट से ज़्यादा आ रहा, तो फिजिकल देने आऊँ या नहीं आऊँ, तो देखिए आप सभी को कैसे पता चला कि आपका 6 मिनट से ज़्यादा आ रहा या फिर 8 मिनट से ज़्यादा आ रहा है। आपने कोशिश की होगी तभी तो आया ना आपका, कि आपको पता होगा कि हमारे 6 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, हमने इतने दिनों तक कोशिश की है, तो यहाँ पर फिर आपने कोशिश की क्यों, हमें ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से या फिर किसी और से पूछोगे कि मैं फिजिकल देने आऊँ या फिर ना आऊँ, ये बात भी अगर आप हमसे पूछ कर आओगे तो फिर आपने मेहनत क्यों की, इसलिए मुझे ये बताइए आपने क्यों एग्जाम दिया था, क्यों आपने पढ़ाई की थी इतने दिनों तक, ठीक है। आप उन कैंडिडेट्स के लकी नहीं हो क्या, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बेचारे फिजिकल के कट ऑफ के अंदर भी नहीं आ पाए, जिनका फिजिकल यहाँ पर नहीं हुआ है, जिनको फिजिकल के अंदर नहीं बुलाएगा, क्या उन कैंडिडेट्स से लकी नहीं हो क्या,
तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सोचा करो, प्रैक्टिकली आप फिजिकल दे दोगे तो आपको एक्सपीरियंस कितना होता है नेक्स्ट टाइम, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर हम कैसे तैयारी करें, फिजिकल कैसे होता है, ग्राउंड कैसे होते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट वो कैसे लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार एक्सपीरियंस तो कीजिए। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ हर चीज़ का बैलेंस लगाकर सोचा करो। आपको सभी को डिमोटिवेट नहीं होना है, फिजिकल देने आपको 100% आना है, ये बात ध्यान से सुन लेना। जो भी कट ऑफ मैं बताऊँ या फिर कोई अदर बता रहा आपको, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके एक नंबर ज्यादा हो, दो नंबर ज्यादा हो, आपको फिजिकल देने आना है। बात ये सब क्लियर कर लेना। आप यहां पर जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट करके जो है वो कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके कितने नंबर हैं, आपका फिजिकल हुआ या नहीं हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि एक आंकड़ा वहां से भी एक तैयार हो सके। आप सभी के लिए वीडियो के अंदर आज के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगा, और जो आपका है आज का फिजिकल जो वो हो रहा है, किसी आधार के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूं आपका आज का जो अपडेट होगा वो, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को साथ में आप नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, अगर वो नोटिफिकेशन बेल आइकन होती है वो, क्योंकि आपको सभी को ना वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप वीडियो से वंचित रह जाते हैं, तो आप सभी प्लीज उसको दबा लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।